अब आप उसको एके मिश्रा के पास चलूंगा। मिश्रा जी बीजेपी के लोग, अरे रुको भाई, एके मिश्रा जी काम करते हैं हमेशा। मिश्रा जी दूसरा मेरा सवाल ठीक आ गया, इसमें समझ गया। दूसरा प्रश्न था, क्या आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो दो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र हैं गोरखपुर और करहल, करहल में कल वोट होना है, क्या आपको ऐसा लगता है कि करहल में भाजपा ने बघेल को उतार कर उसके बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ तमाम लोगों को कैंपेन में करहल उतार कर प्रॉपर उस कस्बे में, छोटे से कस्बे में इलेक्शन को नेक इन नेक बना दिया है, चुनौतीपूर्ण बना दिया है? जैसा पहले इंप्रेशन था कि ये इलेक्शन वन साइडेड होगा, अखिलेश यादव पर्चा भरेंगे और उसके बाद कोई बहुत बड़ी चुनौती वहां नहीं खड़ी होगी, आपको क्या लगता है? नहीं, आपकी आपकी बात एकदम सही है और ये वाकई में इन्होंने नाक में दम कर दिया है बीजेपी वालों ने। उसके पीछे कारण है, बीजेपी की एक स्ट्रेटजी रही है, बात एक सीट की नहीं होती है। आप ये देखिए, राहुल गांधी जब अमेठी से थे तो बीजेपी जो प्रतिष्ठा वाली सीटें होती है ना, वो केवल हार और जीत के लिए नहीं, वो पार्टी के लिए नाक की लड़ाई हो जाती है। और ये बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है कि एटलीस्ट मुखिया जहां से लड़ रहे हैं वहां प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए या वहां उनको हरवाया जाए। शायद मेरे ख्याल से बंगाल उंगाल में भी ममता बनर्जी के साथ ऐसा रहा था। इसको समझने में ये लोग बड़े जो है फेल हो गए, समाजवादी पार्टी वाले। ये निश्चिंत बैठे थे कि यहाँ कोई अटैक नहीं होगा, लेकिन वो सेंटर पॉइंट है, वो जो सीट है या इस तरह की जो सीटें होती हैं वहां अटैक करना मतलब शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट नब्ज पे अटैक करने वाला है। एक मिश्रा, एक मिनट, क्या आपको लगता है करहल नंदीग्राम पार्ट टू होने जा रहा है, वो किस स्थिति में है? भाई साहब दर्शित लग रहा है क्या? ज्यादातर चांसेस मुझे ये लग रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी अगर पीछे पड़ जाए तो वो बिना किसी रिजल्ट के या बिना किसी कारण के पीछे नहीं पड़ती है। इन्होंने इसकी तैयारी नहीं की, ये इनकी गलती थी, इनको तैयार रहना चाहिए था।